जहाँ पर हमने ना बात की हुई थी ना, वहाँ पे मतलब फुल हो चुके हैं। तो अभी हम दूसरे क्लिनिक पे आए हैं, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइम है। सो आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले अपने से बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, पहला जय माता दी। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर से सुंदर जगह देहरादून से आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 11:30 बजे सुबह से। और जैसे कि मैंने आपको ना कल बताया था, तो इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेती हूँ, अगर ऐसे मैं नहीं करूँगी तो फिर ब्लॉग बनेगा ही नहीं और दिक्कत मेरे को आएगी। तो चलो चलते हैं हॉस्पिटल। और मैंने अभी घर का काम कुछ थोड़ा बहुत किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। आके ही सब कुछ करूँगी, देखते हैं। वैसे तो इसकी तबीयत होगी, पर इसका भी पीछे दर्द हो रहा है। शायद हो सकता है क्योंकि ये गाँव से आए तो थोड़ा चैन भी हो सकता है क्योंकि, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ले जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो चलो चलते हैं, कमरे में ताला वाला लगाते हैं। क्या तबीयत खराब हो रही है, पेट दर्द, बुखार, सर दर्द, जुकाम, ये नहीं आना चाहते भी। तो चलो चलते हैं। आया आ, अरे वो गोरे मुखे तो बैठे हो। तो ना परसों मेरे पास रोटी थी ना, मैं जैसे जो सुबह की रोटी होती है, तो परसों मैंने सोचा गाय नहीं आई है बाहर में तो मैंने नहीं दिया, पर ये गाय शायद परमानेंट यहाँ पे बैठी है। आ मैंने मंदिर के दर्शन भी हो ही गए हैं, ये देखो हर हर महादेव। तो यहाँ से मंदिर के दर्शन करके अब चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर हमने ना बात की हुई थी ना, वहाँ पे मतलब फुल हो चुके हैं। तो अभी हम दूसरे क्लिनिक पे आए हैं, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइम है। तो पहले देखते हैं, लाइन तो भयंकर ही लगी है, भयंकर। देखिए बस दवाई काम कर जाए। चल चलते हैं। और लोग मुझे इतनी खतरनाक नज़रों से देख रहे हैं ना, मैं ब्लॉगिंग करते हुए आ रही हूँ ना, तब लोग मुझे बहुत खतरनाक नज़रों से देख रहे हैं। चलो क्लिनिक बोलो। तो हम ना हॉस्पिटल से घर आ गए थे हम 4:30 बजे, क्योंकि हमारी पर्ची 3 बजे लगी। तो 4:30 बजे हम हॉस्पिटल से घर आ गए थे। फिर घर आके थोड़ा घर का काम वाम किया और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। तो अभी ना मैंने उसको थोड़ा बोला, थोड़ा तो अपना पढ़ाई वढ़ाई कर ले, थोड़ा मन भी, थोड़ा उसने दवाई खाई तो तब से वो थोड़ा ठीक बैठी है वहाँ पर। तो अभी थोड़ा उसका ना जो बुखार है वो थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब पहले से बेटर है, गला दर्द वगैरह दवाई खा के। तो अभी मैंने उसे थोड़ा पढ़ने के लिए बिठा रखा है। अभी मैं बना रही थी कॉफ़ी, क्योंकि मेरा ना अच्छे हॉस्पिटल में जब जाते हैं ना तो सर दर्द भयंकर होता है, तो मेरा हो गया था सर दर्द। और यहाँ पर मैंने ना मेडिकल, तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी को ना ऐसे फेंट लिया है कुछ ऐसे में, दलगोना कॉफ़ी, तो ऐसे कुछ फेट लिया है। और यहाँ पे मैं दूध को उबाल रही हूँ, थोड़ा सा गिर भी गया है दूध। और इस प्रेशर में मैंने ना काले वाले जो चने होते हैं ना उसको भिगोने रख दिया है, इसको तब कि थोड़ा सही हो जाए। बस
थोड़ा देर में पानी आएगा तो इन बोतलों में पानी भरा जाएगा। आज का दिन ना बस मेरा ऐसे ही गया, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ आज के दिन में, बस इतना ही था। और आके ना बहुत काम करना पड़ा क्योंकि मैं सुबह सारा काम छोड़ के गई थी कि आऊँगी तब करूँगी, पर आके काम करना पड़ा तो इसलिए। और बारिश भी आ गई है बाहर पे, खतरनाक वाली बारिश भी आ गई है बाहर पे, पसीने से देखो ना कुछ मतलब कतई, मतलब फेस अजीब सा लग रहा है, मतलब जैसे पसीना आ रहा है ना तो फेस अजीब सा लग रहा है। जो मेरा पहले वाला फ़ोन था ना वो उसका फिल्टर अच्छा था, वो नहीं दिखता था, इसमें तो कतई दिखते हैं फिर, तो जो है वो तो है ही ना। तो चलो फिर देते हैं विद्यार्थी को कॉफ़ी। तो ये निकाल दिया मैंने मग्गा, इसमें डालते हैं पहले तो एक दो चम्मच, इसको थोड़ा गला में वो है ना तो इसको कम ही दूंगी। ये देखो इस पे अपना आप ही ये आ जाते जाते हैं, तो ये चलते हैं विद्यार्थी को कॉफी लेके। ये देखो इतनी अच्छी बनी है ना बिल्कुल, लो आपकी कॉफी। आप कॉफी के साथ कुछ और खाना पसंद करेंगे? बीमार हैं, आपको देख के कोई नहीं बोलेगा इसके गले में टॉन्सिल हो रखा, ये बीमार है। अभी गर्म मत पी, थोड़ा ठंडा होने दे, चलो पढ़ाई करो। अब ना अपने लिए भी निकाल लेते हैं हम इसमें ग्लास। मैं तो ज्यादा पीती हूँ, जैसे कॉफी होगा ना तो मुझे ज्यादा ही चाहिए होता कॉफी, तो अभी सारा मैं इसी में डालूंगी ना, पहले मैं डाल लेती। तो ये रही मेरी भी कॉफी, तो पी के बताते हैं हमारी कॉफी कैसी बनी है। मैं तो अपने कमरे में बैठ के पीऊंगी, बहुत गर्म है। जो कड़वी कॉफी होती है ना, मतलब मीठी अगर बहुत ज्यादा मीठी होगी ना कॉफी तो पसंद नहीं है, अगर कड़वी होगी ना तो पसंद है मुझे कॉफी, क्योंकि कॉफी का मतलब ही कड़वा होता है ना, वो वाली ज्यादा पसंद आती है। पी लेते हैं पहले कॉफी, फिर आपको मिलते हैं बाद में, जैसा जैसा भी होगा फिर बताएंगे क्या होता है। तो मिलते हैं आपको। ये देखो इसको, मैं कब से इसको दुकान भेज रही हूँ, पर ये यहाँ पे मुनक्के के बीच चपा रही है, ये देखो ये पर जा नहीं रही। और ये जो यहाँ पे जो ये पुड़िया रखी है ना, ये इसकी सुअ है, तंबाकू बोल रहे तो तान से। जाओ कसम से रफाजा छुड़ैलू जो नाखून, इसके नाखून देखो जैसे चुड़ैल होते ना, चुड़ैल कार तो दे, पहले जमाने में चुड़ैल होगी पक्का। गौर से देखो इसके मुंह पे कितने दाने हैं, गिन के बताना। ये पता नहीं अभी ये ऐसे सोचते कि पता नहीं मेरी शक्ल कितनी अच्छी है। वीडियो तेरी बन रही है, मेरी तो कुछ बन भी नहीं रही। पैसे ना यार, पैसे कमाए के लो तब पैसा दे। कौन मंगाते हैं दूध? नजर न लागली, नजर न लागली। चलो स्टेप डांस हो बता दे, चल बेड़ो पाको बारमासा ओ नरना। कौन सा वाला गाना आजकल, इसको कौन सा वाला गाना बोलिए तो, कौन सा वाला गाना बार बार गुनगुना रही है, कौन सा चल रहा हुआ आज आजकल कर रहा हूँ।
मारने की कोशिश हो रही है। टूट गए लड़ाई के चक्कर में। पहले सॉरी बोल ऑन कैमरा। क्यों सॉरी बोल? घड़ी तो तेरे डर ना। सॉरी तो बोल। सॉरी बोल पहले ऑन कैमरा। तब मैं मिला नहीं नहीं मिला तो ना दे तो मैं कर लूँ त्यो जल सब कुछ। इसके मुंह के इसके मुंह में कितने दाने हैं कमेंट करके बताना। हाँ लेकिन नॉट एंगेज ये तो फिर